नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा की कांग्रेस पार्टी से विजय संजय शर्मा ने सबसे पहले भारी मतों से जीते ग्रामों में जाकर मतदाताओं का आभार प्रकट किया। मां नर्मदा के हीरापुर घाट में राजेश्वरी मंदिर बना हुआ है एवं स्वामी की कर्म तपोस्थली है। विशाल भंडारी का आयोजन रखा गया है जिसमें हजारों की संख्या में लोग भंडारे में उपस्थित हैं। बीते विधानसभा चुनाव की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की कार्यकर्ता अपने आप में काम करके जब प्रसन्न होता है तो जैसे परिणाम आते हैं। लेकिन मीडिया के सूत्रों से खबर आ रही कि आपको जो है मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। मीडिया के लोग ज्यादा जान रहे हैं, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। पार्टी ने जो काम करेंगे, विधायक बने जनता की सेवा। आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है अपनी रणनीति बनाएगी? कांग्रेस पार्टी जो भी रणनीति बनाएगी जीतने के लिए बनाएगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि होशंगाबाद लोकसभा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास में है, इस बार अवसर मिला है तो कांग्रेस के पक्ष में कराने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और अभी से पार्टी जिसे निर्देश करेगी उस दिन से तैयारी में लग जाएंगे जिससे आने वाले समय में लोकसभा में परिणाम हमारे पक्ष में आए। तेंदुखेड़ा से धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।